दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आज का सोने और चांदी का क्या रेट है। जी हां दोस्तों, कितना सस्ता हुआ सोना और कितनी सस्ती चांदी हो गई है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कब तक सस्ता रहेगा और क्यों हो रहा है सोना और चांदी सस्ता। दोस्तों कौन सा सोना खरीदना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सोने चांदी का भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। घरेलू बाजारों में आज गोल्ड की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी के दाम में 886 रुपए प्रति एक किलो की कमी आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गोल्ड की ऊंची कीमतों पर मुनाफा वसूली हुई, इसके भारतीय बाजारों में सोने की कीमत गिर गई है। तो दोस्तों भारतीय बाजारों में आज गोल्ड के भाव में कमी दर्ज की गई है। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजारों में आज सोने की कीमतों के भाव में 148 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है और चांदी के दाम में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सर्राफा बाजारों में सोना 46,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, वहीं चांदी 69,562 रुपए प्रति 1 किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमत में बढ़त दर्ज की गई, जबकि चांदी के भाव में जस्ते तस रहे। दोस्तों सोने की नई कीमत, दिल्ली सर्राफा बाजारों में आज गोल्ड के भाव में 148 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने के नए भाव अब 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम है। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 46,455 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का भाव आज उछलकर 1,807 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। दोस्तों चांदी की नई कीमत, चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सर्राफा बाजारों में आज इस कीमती धातु का दाम 886 रुपए गिरकर 68,676 रुपए प्रति एक किलो पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज चांदी का भाव 27.63 डॉलर प्रति औंस पर जस्ते तस रहा। तो दोस्तों क्यों हो रहा है सस्ता, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यानी 5% इनपुट ड्यूटी को घटा दिया है, इसी वजह से सोने और चांदी पे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों कब तक सस्ता रहेगा, यानी एक्सपर्ट का मानना है होली तक सोना और चांदी सस्ता रहेगा। दोस्तों कौन सा सोना खरीदें मार्केट से, यानी जब भी खरीदें तो 18 कैरेट के ऊपर का सोना खरीदें, जैसे 22 कैरेट 23 कैरेट ये सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि इस सोने के गहने अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आज का ये है ताज़ा भाव और आज सोने और चांदी में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सोने चांदी के भाव जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।